मेरी मोबाइल शॉप थी और पेंडेमिक की वजह से वो, क्योंकि शॉप का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, शॉप मेरी बंद हो गई थी। मैं ये भी मतलब इस तरह का इनकम सोर्स चाह रहा था कि कहीं मुझे ऑफिस प्रॉपर जाना ना पड़े, एक टाइम फ्रीडम हो मेरे पास। वैसे सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की, तो फिर मुझे इनेबलर्स का ऐड दिखा। पता चला कि मेरे साथ ही इलाके में जो है ना वो गुजरांवाला इनेबलर ऑफिस है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। मेरा इंटरेस्ट जिसमें बना वो FBA होलसेल था। एहसान भाई और इमरान भाई मुझे मिले और इस तरह हम तीनों ने मिल के जो एक दूसरे के मसले थे, किसी को अकाउंट का मसला था, किसी को इन्वेस्टमेंट का मसला था, वो हम तीनों ने मिल के मसला हल किया। हम तीन मार्केट में काम कर रहे हैं। एक्चुअली UK में सेल जो चल रही है वो इस वक्त तकरीबन 15,000 pounds चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये FBA होलसेल में काम कर रहे हैं, इन्होंने ई कॉमर्स में आने का फ़ैसला किया और इनके साथ तीन लोगों की एक टीम है जो मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और जो जो भी इनके पास अर्निंग होती है वो उसे तीन लोगों में डिवाइड कर लेते हैं। हम इनसे जानेंगे ये कैसे काम कर रहे हैं और इनके और दो पार्टनर्स कौन हैं और किस तरह से ये अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया और हम बहुत खुश थे यहाँ आने के लिए। मोहम्मद बशीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये यूनिक आइडिया कैसे डेवलप किया कि तीन लोगों के साथ मिलके FBA होलसेल का काम आपने शुरू किया, ई कॉमर्स में कैसे आया आप? जी वो ये था कि मेरी मोबाइल शॉप थी और पेंडेमिक की वजह से वो, क्योंकि शॉप का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, शॉप मेरी बंद हो गई थी, तो मैं यही सोच रहा था कि इनकम सोर्स क्या होना चाहिए। और मैं ये भी मतलब इस तरह का इनकम सोर्स चाह रहा था कि कहीं मुझे ऑफिस प्रॉपर जाना ना पड़े, एक टाइम फ्रीडम हो मेरे पास, और मैं जो है ना वो कोई ऐसा काम ऑनलाइन ही तलाश कर रहा था कि जिससे ना मुझे प्रॉपर ऑफिस टाइमिंग के लिए ना जाना पड़े। सही। तो फिर मैंने सर्च किया और मुझे पहले अमेज़ॉन का पता चला था, तो क्योंकि वो वैसे सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की, तो फिर मुझे इनेबलर्स का ऐड दिखा, तो इनेबलर्स के ऐड देखा, फिर मैंने इनेबलर्स से कॉन्टैक्ट किया, फिर मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह देखे, फिर जो है ना मुझे पता चला कि मेरे साथ ही इलाके में जो है ना वो गुजरांवाला इनेबलर ऑफिस है जो सर कासिम निज़ाम मलिक और सर मीर हमजा साहब लीड कर रहे हैं। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया कि आप ई कॉमर्स में आए तो क्यों कौन कौन से मॉडल पर आप काम कर सकते हैं और किस तरह काम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और फिर उन्होंने मुझे तीन मॉडल का बताया, तो फिर उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं किस मॉडल में जाऊँ। ठीक है, तो फिर मैंने अपनी तरफ से और मेरा इंटरेस्ट जिसमें बना वो FBA होलसेल था, तो मैंने उसको नेक्स्ट परसू किया। इसकी फील्ड में आया, सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया? जी ई कॉमर्स में आने से पहले, सबसे तो पहले जो मेनली एक्चुअली मुझे इशू था ना वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट का था, क्योंकि कारोबार बंद होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था, और साथ में मैं मतलब मेरा यही था कि मैं फैमिली को भी सपोर्ट करूँ और मैं खुद जो है ना वो करूँ, मुझे मतलब घर से लेके और इस तरह मतलब ना चलना पड़े, मैं खुद सपोर्ट करना चाहता था फैमिली को। तो फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया, कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे दो और मेरे टीम मेंबर्स जो अभी हैं एहसान भाई और इमरान भाई मुझे मिले, और इस तरह हम तीनों ने मिलके जो एक दूसरे के मसले थे, किसी को अकाउंट का मसला था, किसी को इन्वेस्टमेंट का मसला था, वो हम तीनों ने मिलके मसला हल किया और हमने ऐसा ऐसा काम स्टार्ट कर दिया। आप प्राइवेट लेबल बिजनेस की तरफ क्यों नहीं गए, FBA होलसेल की तरफ क्यों आए? जी एक्चुअली मुझे इन्वेस्टमेंट का इशू था, तो FBA होलसेल में चूंकि आपको एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ FBA होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने अपने तौर पे ही लिया कि मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो लेट्स सपोज 2,000 या $3,000 या पाउंड से मैं करूँ, तो क्या ये मैं कर सकता हूँ? तो फिर मैंने देखा कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ मैं ये बिज़नेस मॉडल कर सकता हूँ, तो मैं पहले इस बिज़नेस मॉडल के साथ एक बार बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, इस मार्केट प्लेस को समझ सकूँ, ई कॉमर्स को भी अच्छे तरीके से जान पड़ता लूँ, उसके बाद फिर जो है ना वो मैं इंशाल्लाह प्राइवेट लेबल के साथ, फिर हमने ऐसा ऐसा इस पर वर्क किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी सक्सेसफुल चल रही है। किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं? हम स्विमिंग कैटेगरी में काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सारे सफ़र में आपके मेंटोर्स और इंस्पायरेशन कौन लोग थे और इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? जी इसमें सबसे पहले जो मेरे मतलब मेंटोर हैं सर कासिम ज़िया मलिक साहब और सर मीर हमजा साहब, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमें हर पॉइंट पर हमारा साथ दिया, इवन के हम कहीं भी स्टक हो जाते थे इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैं कहता हूँ बहुत अच्छे मेंटोर हैं और इनेबलर्स का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है,
और इंस्पिरेशन जो है वो कासिम अली शाह साहब ही रहे हैं। एक्चुअली मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो हर मरहले में लाइफ के मैं उनको ही मतलब सुनता आ रहा हूँ। अच्छा, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? जी, ये उनका एक बहुत अच्छा मिशन है। उनके इस मिशन की वजह से बहुत से लोग जो पेंडेमिक की वजह से उनका कारोबार बंद हो चुका था, तो वो इस पे आके अपना एक रोज़गार कमा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह, मैं, मेरी टीम, हम सब मिलके इंशाल्लाह उनके मिशन को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। सर, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? जी, हमारी जो इस वक्त हम 3 मार्केट में काम कर रहे हैं, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में, USA में और UK में। तो इस वक्त जो मेनली UK में सेल जो चल रही है वो इस वक्त तकरीबन 15,000 pounds चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बशीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग FPA होलसेल के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।